तुम जो गुस्सा भी करो तो मुझे प्यार लगता है। जाने क्यों मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें इकरार लगता है। जाने क्यों छोड़ो भी अदा, पास आके जरा बात दिल की कोई कह दो ना। हे सोना हे सोना, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो में एंड तक बने रहना। ये फर्स्ट लुक है, मैं 5 लुक्स क्रिएट करूंगी और भी उसमें इंडियन विंडियन सब होगा। यार बहुत सुंदर इयररिंग पहने हैं, लुक बहुत ज्यादा सिंपल। आप लोग को लग रहा होगा ना बहुत डिफिकल्ट है, बट नो गाइज, बहुत सिंपल लुक है बहुत ज्यादा। साड़ी मैंने ब्लैक कलर की पहनी है, सिंपल सी वेस्टर्न स्टाइल की। ओके गाइज, इफ यू लाइक माई कंटेंट ना तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे दिल के चोर हो तुम, क्या तुम्हें एहसास है? अरे यार सॉरी गाइज, मेरा गाना गाने का मन कर रहा था। अच्छा यहाँ पे मैं स्किन केयर स्टार्ट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर दिया मैंने। बायोटिक का टोनर लगाया, टोनर ज़रूर लगाया करो, आपके पोर्स होते ना मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, TGC की ये मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई, ये समर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। अभी मॉनसून सीजन चल रहा है तो काफ़ी अच्छी है, चिपचिप नहीं करती बिल्कुल भी, अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है, जेल बेस्ड टेक्सचर है। रेजियोश्योर का मैंने वाटर बेस्ड टेक्सचर वाला ये सीरम लगाया, मैंने कहा सीरम भी अप्लाई कर लेती हूँ, अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कर लूँगी, प्रेप कर लूँगी। मामा अर्थ की लिप एंड चीक टिंट है, ये उबटन वाली थी, इसको ऑफकोर्स मैं चीक्स में नहीं लगा सकती। ओके, पर्पल का 24 कैरेट वाला प्राइमर लगाऊंगी, इसमें ना छोटे छोटे पार्टिकल्स है गोल्ड के, अच्छे से पोर्स को या ये ना ब्लर कर देता है, मिनिमाइज नहीं करता, ब्लर कर देता है, फिल कर देता है, आपके बेस को स्मूथ बना देता है। अगर आपको लंबे तक चाहिए, लंबे टाइम तक, तो ऑफ कोर्स आपको करना ही पड़ेगा अच्छा सा प्राइमर। अब मेन क्या होता है, बेस के लिए मैं ले रही हूँ नायका का फाउंडेशन एंड लॉरियल का फाउंडेशन, मिक्स किया दोनों, क्योंकि एक लाइट था एक डार्क था। डॉट डॉट करके लगाना, अगर वैसे लगाओगे भर भर के तो ये ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम देगा और केकी लगेगा, ब्लैक होगा या कुछ भी होगा, फिर आप लोग कमेंट करते हो। आप लोग हमेशा बोलते हैं ब्लैक क्यों हो जाता है, ब्लैक भाई इसलिए हो जाता है क्योंकि अपना जो भी ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो वॉश नहीं करते हो एंड गीला करके इसकी क्या बोलते हैं, स्क्वीज आउट नहीं करते हो, मैं भी क्या बोल रही हूँ, स्क्वीज आउट नहीं करते हो, इसके वजह से वो हल्का हल्का ब्लैक होने लगता है। अब आज मैंने बहुत कम लगाया था फाउंडेशन, बिकॉज आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप बहुत ज़्यादा लगाते हो, तो मैंने बहुत कम लगाया। फिर उसके बाद मैंने हल्का सा हाईलाइट करने के लिए मामा अर्थ का न्यूली लॉन्च कंसीलर लिया, बहुत कम लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। अस्फा लाल का फेस कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, ये थोड़ा सा येलोश कलर में आता है लेकिन आपके बेस को बिल्कुल लॉक कर देता है, इंडियन स्किन टोन को काफ़ी सूट करेगा एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है। स्विस ब्यूटी की यहाँ पे मैं आईब्रो पैलेट ले रही हूँ 4-in-1 है, इसमें आपको एक जेल मिल जाएगा, मैंने ब्राउन शेड लिया है और ये ब्रशेस मिनीसो के आएगा ब्रशेस का भी आएगा, अच्छे से फिल कर लूँगी और क्लीन कर रही हूँ मैं लॉरियल के फाउंडेशन से, अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ फ्लैट ब्रश से, आराम से फिल करना।
अच्छा मैंने एक शॉर्ट वीडियो के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते हो कौन से फ़ोन से बनाते हो, बैक से बनाते हो, कैसे एडिट करें, कैसे बनाएं, सो उसके ऊपर मैं बनाने वाली हूँ। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो शॉर्ट से रिलेटेड, ओनली शॉर्ट से रिलेटेड, तो आप लोग अभी भी कॉमेंट कर सकते हो, बिकॉज मैंने लिख के तो रखा हुआ है बट मैंने अभी बनाया नहीं है। अगर ऐसा कुछ लगेगा कि ज़रूरी है क्वेश्चन तो मैं वो भी डाल दूँगी, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे भी पूछ सकते हो। NYB की आयशा जो पैलेट ली, काफ़ी अफोर्डेबल वाली आयशा जो पैलेट है, और ब्लैक शेड लिया। ब्लैक शेड ना गाइस अच्छे अच्छे पैलेट में एकदम पिगमेंटेशन वाले नहीं आते, लेकिन इसमें आया क्योंकि अफोर्डेबल भी है और काफ़ी अच्छी पैलेट है। फिर वापस से मैंने ब्लेंड करके वापस से ब्लैक कलर एक बार चढ़ाया, क्योंकि पिगमेंटेशन चाहिए थी ना यार। इसी पैलेट से पिंक कलर लिया, जहाँ पे बीच में गैप था वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी पूरा पिंक शेड, और अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी एक और नए मिनीसो के ब्रश से, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए। ज़्यादा ऊपर की तरफ मत लेके जाना। मनीष मल्होत्रा वाली पैलेट में से एक वाइट कलर का शेड था, मैंने वो लगाया। इसको लगाने के बाद बिल्कुल ये रेनबो टाइप का हो जाता है, शाइनी शाइनी सा, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, मोनोट्रोम में ऐसा करके कुछ इसका नाम है, आप लोग को पता है तो कमेंट करो। एक और ब्रश लिया मिनीसो का, और उसमें मैंने पिंक कलर लेके स्मच किया अपनी आईज़ के नीचे भी, ऊपर भी, हर जगह मैंने किया, ठीक है। मामा अर्थ का मैंने आईलाइनर लिया, ये मेरा फेवरेट वाला आईलाइनर है, बिगनर फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली है, टिप इसकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, टिप बहुत अच्छी है, बहुत इजीली लग जाता है आईलाइनर इससे। NYB का बहुत ही अफोर्डेबल ब्लू काजल, अपर वाटर लाइन लोअर वाटर लाइन दोनों में मैंने अप्लाई कर लिया है, और या दोनों में अप्लाई किया मैंने। बेला वॉस्ट का यहाँ पे मैं मस्कारा ले रही हूँ, कोई अफोर्डेबल मस्कारा चाहिए आप ये भी ले सकते हो, अगर आपने अभी अभी चैनल स्टार्ट किया तो आप ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल हैं। और अभी अभी मैंने एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का एक वीडियो भी डाला है, तो वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट मैंने उसमें आप लोग के साथ शेयर किया, अंडर 300। आई लैशेस लगा ली मैंने कैला एलेस की, यहाँ पे मैं गाने गाती जा रही थी, मज़ा आती है मुझे गाने वाने गाने में, वीडियो बनाने में। NYB की कॉन्टोर लिया, सिंगल कॉन्टोर था ये ब्रॉन्जर, इससे मैंने अच्छे से अपना फेस कॉन्टोर किया। कॉन्टोर ज़रूर किया करो, आपका फेस थोड़ा सा चबी चबी नहीं लगता है, डायमेंशन मिल जाती है, पतला लगता है थोड़ा सा। और ब्लू हेवन की 4-in-1 ब्लश पैलेट, इसमें मैंने ऑरेंज शेड लेके और ब्लेंड किया, मुझे ज़्यादा ना डार्क शेड नहीं चाहिए था आज के मेकअप लुक में, इसलिए नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ NYB के पैलेट से ही। और लैक्मे का कॉम्पैक्ट लेके, कॉम्पैक्ट बेचारा पूरा टूट चुका है, ख़त्म हो गया है, क्लीन कर रही हूँ अपना फेस, ताकि मेरा फेस बिल्कुल क्लीन लगे और डायमेंशन मतलब बिल्कुल नज़र आएगी, हाँ कॉन्टोर किया हुआ है। पर्पल का स्पार्कल वाला हाइलाइटर है, ये मुझे ब्रांड ने खुद भेजा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेन पॉइंट्स में लगाऊंगी, फोर है, जॉ लाइन, चीक बोन्स, और क्या, आइज़ की एरिया, ब्राउ बोन, कॉर्नर में, आइज़ के कॉर्नर में, नोज़ में, चीक बोन्स में, मतलब पूरे फेस ही में लगा लेती हूँ मैं तो। स्विस ब्यूटी की फिक्सर से मैंने अपना फेस फिक्स कर लिया है, और मनीष मल्होत्रा वाली ये क्रीम वाली लिपस्टिक थी, क्रीम कलर की बिल्कुल लिपस्टिक थी, इसका शेड मेरे को याद नहीं आ रहा है। मामा अर्थ की ये कैपचिनो ब्राउन करके इसका शेड है, वो मैं लगा रही हूँ, ये ब्राउनिश टोन में थोड़ा सा आ जाता है, इसके ऊपर थोड़ा सा मनीष मल्होत्रा वाला सिल्की सिल्की सा लुक देने के लिए मैं लगा रही हूँ। ओके, लुक डन हो चुका है, अब बारी आती है बालों का करने की। सो यहाँ पे मैं लॉरियल का मैंने सीरम लिया, ऑल टाइम फेवरेट है, सबको सजेस्ट भी करूँगी मैं लॉरियल का, कंसीलर नहीं, कंडीशनर, शैम्पू एंड सीरम, तीनों को मैं हाईली रेकमेंड करूँगी, हाईली रेकमेंड। अच्छे से यहाँ पे क्योंकि बालों को स्ट्रेट करना है तो उससे पहले सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है गाइज। अच्छे से सीरम लगा लूँगी मैं अपने बालों में, यहाँ पे मैं गाना गा रही थी, इतना तेज तेज स्पीड में चल रही थी ना वीडियो, इसलिए और फनी लग रहा है बिल्कुल। अच्छा आप लोग कौन सजेस्ट करो ना कि कौन सा वीडियो अब मैं बनाऊँ।
बाल कर लिए मैंने स्ट्रेट एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेट वेट कर रही थी बालों को। ईयर रिंग इतने ब्यूटीफुल है ना यार, लोकल मार्केट से परचेज किए थे, मज़ा आ गई है ईयर रिंग पहन के, बहुत सुंदर लग रहे थे साड़ी के साथ, और मतलब मेरे फेवरेट हो गए ईयर रिंग, इतने सुंदर लग रहे थे यार। मतलब वैसे ऐसे में ब्लैक भी हैं, वाइट कलर के मैंने बैंगल्स डाल लिए एक हाथों में, काफ़ी सुंदर लग रहे थे, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन सिल्वर का काफ़ी सुंदर लग रहा था। एक रिंग डाली अपने हाथों में एंड दैट्स इट, यही है मेरा फाइनल लुक गाइज। शेयर करना अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, काफ़ी मेहनत लगती है। ओके गाइज, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करो आपको कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट।